नमस्कार गाइस, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जॉब्स अपडेट लेके आ चुका हूं। सो गाइस, मैं आपको यहां पे बता दूं कि वैकेंसी होने वाली गाइस वॉचमैन और हेल्पर की वैकेंसी यहां पे होने वाली। मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे योग्यता यहां पे 5वीं पास यहां पे रखा है गाइस। जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन वैकेंसी होने वाली है गाइस। मैं आपको यहां पे बता दूं, सभी लोग यहां पे ऑनलाइन वैकेंसी बताते हैं गाइस। ऑनलाइन वैकेंसी का हमें जानकारी मिल जाती है लेकिन ऑफलाइन वैकेंसी का हमें पता नहीं चलता। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, कहां से हमें फॉर्म अप्लाई करना, कहां से फॉर्म खरीदना, कहां से फॉर्म डालना है। तो गाइस, सारी जानकारी यहां पे मिल जाएगी। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। वीडियो को बीच में स्किप करते हो तो आपको ही दिक्कत होगी। तो गाइस, आप वीडियो पूरा जरूर वॉच कीजिए। यहां पे योग्यता भी कमी रखा है, यहाँ पे संविदा पर वैकेंसी होने वाली है, रेगुलर वैकेंसी है। तो गाइस, इसमें सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि गाइस आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी यदि अच्छी लगे तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि हमारा काम है आपको डेली नई जॉब्स यहाँ पे अपडेट करना। सो फाइनल गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ऑफलाइन वैकेंसी कैसे चेक करना, कहाँ निकली हुई। तो गाइस, आपको यहाँ पे कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है। आपको इस सर्च इंजन में टाइप करना है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे वैकेंसी। जैसे ही सर्च इंजन पर टाइप करेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है आज, तो यहाँ पे लिखना है vacancyforum.com। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो vacancyforum.com ऊपर ही यहाँ पे शो होने लगा है गाइस। मैं पहले से यहाँ पे सेव करके रखा हूँ, तो आप यहाँ से आ जाओ। तो यहाँ पे vacancyforum.com पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसी पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले vacancyforum.com वैकेंसी पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही vacancyforum.com वैकेंसी पे आ चुके हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म। तो हमें ऑनलाइन नहीं देखना गाइस, हमें ऑफलाइन फॉर्म देखना है। तो हमें ऑफलाइन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ऑफलाइन वैकेंसी देखने के लिए ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक किया। ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। तो गाइस, मैंने जो आपको यहाँ पे जो वैकेंसी बताई हुई है, तो उस वैकेंसी को भी आप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, जो मैंने आपको वैकेंसी बताई, तो सबसे नीचे आ जाना है और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में वो वैकेंसी रखी हुई है, मैं आपको थोड़ा नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको हेल्पर और वॉचमैन की जो वैकेंसी बताई है, तो गाइस वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 26वें नंबर पे यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे प्राइमरी मिडिल मैट्रिक पास यानी 8वीं या 10वीं पास आपको यहाँ पे होना चाहिए। आवेदन आप यहाँ पे 30 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको मैंने पिछला वीडियो भी एक बना दिया, फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे 20 रुपये पे करना पड़ता है। मैं फिर भी बोलूँगा गाइस, मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट का प्रमोशन नहीं करता हूँ गाइस, मैं आपको केवल सूचना के आधार पे दे रहा हूँ गाइस। आप ऑनलाइन जो वैकेंसी निकलती है उसमें तो गाइस 100, 200, 500 रुपये तक भी फीस कट होती है, बट इसमें केवल 20 रुपये का फॉर्म डाउनलोड करके आप पोस्ट वाइज यानी डाक किए के जरिए इस वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। तो आप गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपके क्लिक, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बता देना हूँ नोटिफिकेशन इसमें क्या है। तो नोटिफिकेशन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे गाइस मैंने डाउनलोड अगेन कर दिया गाइस, नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस, जो भी नोटिफिकेशन में आपको पूरा प्रोफाइल निकल के आया है तो उसको आप देख सकते। यहाँ पे अंतिम तिथि आप देख सकते 30 मई लिखा है। यहाँ पे सभी जातियों के लिए है, यहाँ में कोई भी वो नहीं है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते जिसे जिसके लिए निकली हुई वैकेंसी वो भी देख सकते हैं। लिखा है डायरेक्ट, लिखा है एयरफोर्स गाजियाबाद। ठीक है, नीचे हिंदी में लिख दिया है वायुसेना स्कूल गाजियाबाद। ठीक है, मतलब इसको संस्था समझ लीजिए, कोई विभाग समझ लीजिए। ठीक है, वैसे स्कूल है, स्कूल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे इसका भर्ती का नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रख दिया है हेल्पर व वॉचमैन के पदों पर भर्ती। ठीक है, इतना समझ में आ गया गाइस। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे योग्यता सबसे बड़ी बात, योग्यता होती तो गाइस योग्यता भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको करिए गाइस, जो भी इसके योग्य हो वो कर सकता है। ठीक है, मेरा काम है आपको यहाँ पे सूचना प्रदान करना। तो योग्यता यहाँ पे 5वीं पास, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, ऑफलाइन वैकेंसी है, निःशुल्क भर्ती है। मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बताई, भारत का निवासी इसमें आवेदन कर सकता है। यहाँ पे पद का नाम देख सकते, पहला है हेल्पर, दूसरा है वॉचमैन, रेगुलर और संविदा। ठीक है, हेल्पर का है रेगुलर और वॉचमैन का है संविदा पे। ठीक है, आयु यहाँ पे देख सकते 21 से 40 वर्ष, इसकी भी 21 से 40 वर्ष। वेतनमय नियमानुसार, जो इनके नियम होंगे उनके अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदक किन्हीं पढ़ने लिखने व बोलने का ज्ञान रखता हो, अधिकतम 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 8, 5वीं या 10वीं पास तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने बाद में मेंशन कर रखा है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूँ गाइस,
तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आयु सीमा देखिए तो 1 जुलाई 2023 के अनुसार ही आपकी यहाँ पे गणना की जाएगी। आपको 21 वर्ष का होना चाहिए 1 जुलाई 2023 के अनुसार, ठीक है। आवेदन शुल्क बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल फ्री है और उपयुक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, ठीक है। आवेदन आपको कहाँ भेजना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक पत्र अपने गाँव व शहर फॉर्म विक्रेता CSC ML मित्र प्राप्त करें या विभागीय वेबसाइट या वैकेंसी फॉर्म डाउनलोड से डाउनलोड करें, ठीक है। या तो जो CSC केंद्र वाले हो तो उनके पास मिल जाता है या vacancyform.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, 20 रुपये पे करके, ठीक है। आपको भेजना है डाक के द्वारा भेजे गया पता, आपको डाक के द्वारा ही भेजना है। तो ये गाइस पता भी लिखा है, इस पते को आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, पता भी आपको यहाँ पे शो करा यहाँ पे दिखा देता है। एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद, ठीक है, 20/1004 UP के पते पर आपको यहाँ पे उसमें पोस्ट में जब आप अप्लाई करेंगे वैकेंसी के लिए तो उसमें सारा कॉलम रहता है, उसमें आप आसानी से भर सकते हैं। नीचे लिखा है आपको जो आप फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे संलग्न करना है, शैक्षिक योग्यता लिखा है, ठीक है, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र, जाति आधार कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र हो तो उसको भी कर देना, ठीक है। नीचे लिखा है अन्य सामान्य दिशा निर्देश या सामान्य निर्देश भी देख सकते हैं। आवेदक आपको जब आवेदन आप लिफाफे पे गाइस आपको आपने भरा हो कभी नहीं भरा हो तो आप पोस्ट ऑफिस जाके आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। आवेदन भरने के लिफाफे वो जो एप्लीकेशन पोस्ट होता है गाइस आपको वॉचमैन या कैटेगरी आपको वहाँ पे जो कैटेगरी आप हेल्पर के लिए भरे या वॉचमैन के लिए तो वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आवेदक कॉलम स्पष्ट रूप से आप हिंदी में भरिए, ठीक है, आप इसमें हैंड राइटिंग में सुधार या कोई डिजाइनिंग नहीं कर रखिए, शुद्ध साफ लिखिए, ठीक है। यहाँ भी लिखा है आवेदन सभी प्रकार के स्पष्ट अक्षरों में भरा होना चाहिए। गाइस आपको जो चयन आवेदक को कॉल सेंटर ईमेल माध्यम से भेजा जाएगा, जो कॉल लेटर होता है आपके लिए तो आपको ईमेल या मोबाइल के जरिए कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। गाइस आपको जो आप फॉर्म खरीद लेंगे तो ये 20 जो फॉर्म बिका हुआ फॉर्म वापसी नहीं होगा, इसमें गाइस एक नंबर रहता है उसी नंबर से आपको ये फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो गाइस आप कोई वैकेंसी समझ में आ चुकी है तो गाइस यदि आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी दी अच्छी लगी तो गाइस इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि हमारा काम है आपको डेली नई नई जॉब से यहाँ पे अपडेट करना है। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप किस जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं गाइस आप कमेंट में बताइए, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, मैं उसके जरिए भी आपके पास वाली वैकेंसी भी लेके आ सकूँ। गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।